ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज हम देखते हैं कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बहुत ही बिजी लाइफ है, जिसे देखिए काम ही काम है, सबके पास काम है। और इस काम में हमने बहुत सारे मित्र बना रखे हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स बना रखे हैं, बहुत बड़ा ग्रुप है हमारा। लेकिन उस बड़े ग्रुप के बाद भी हमने देखा है कि बहुत से लोग अकेले हैं। बहुत से लोग इतने अकेले हैं कि वैसे तो महफिल जमी पड़ी है, लेकिन फिर भी अकेलापन है। और इतना अकेलापन है कि कुछ लोग डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, और वहीं कुछ लोग अकेलेपन से एकांत की यात्रा तय करने लग जाते हैं। तो जब अकेलेपन से हम एकांत की यात्रा तय करते हैं, तो उस समय कुछ बातें, कुछ भाव, कुछ चीज़ें हमारे मन में आती हैं। उन्हीं भावों को, उन्हीं मन में जो आने वाली कुछ बातें हैं, उनको मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया। वो क्या लिखा मैं आपको सुनाना चाहूँगी। और मित्रों, जब मैं अपना सुनाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि मैंने लिखा, किसी और का सुनाऊंगी तो उसका नाम बताऊंगी, और नहीं नाम पता है तो ये बताऊंगी भाई कहीं से प्राप्त हुआ है, ये मित्र ग्रुप से प्राप्त है वगैरह वगैरह। तो आप, आशा है ये जो मैंने लिखा है आपको कैसा लगा अवश्य आप मुझे बताएंगे, कमेंट करके अवश्य बताइएगा आपको कैसा लगा। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ कुछ मेरे मन में जो एकांत अकेलेपन से एकांत की यात्रा करते समय कुछ भाव आए हैं, कुछ दृश्य आए हैं, मैं उसको यहाँ आपको सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। ये क्या है चलिए उसको मैं आपको सुनाती हूँ। तुम कौन हो, तुम कौन हो, क्योंकि रूप उसके बहुत सारे होते हैं। तुम कौन हो, क्या हो, समझना बड़ा कठिन होता है। तुम कौन हो, क्या हो, समझना बड़ा कठिन होता है। कैसे तुम्हें जानूं, कैसे तुम्हें जानूं, कैसे पहचानूं तुम्हें। तुम कई रूपों में मेरे संग रहते हो, तुम कई रूपों में मेरे संग रहते हो। जब कोई मुसीबत आती है मुझ पर, जब कोई मुसीबत आती है मुझ पर, मन कहीं उलझ सा जाता है, मन कहीं उलझ सा जाता है। तुम ना जाने कितने रूपों में, तुम ना जाने कितने रूपों में मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हो। तुम अनेक रूपों में मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हो। ना जाने कितने रहस्य हैं तुम्हारे भीतर, ना जाने कितने रहस्य हैं तुम्हारे भीतर। क्योंकि ये जो हमें महसूस होता है, हमारे अंदर से कुछ कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। तो तुम मेरे भीतर भी हो, तुम मेरे भीतर भी हो, फिर भी मुझसे दूर कैसे हो। मैं तुम में ही समाहित हूँ, मैं खुद तुम में ही समाहित हूँ, फिर ये अकेलापन क्यों है। क्योंकि जब तुम मुझ में समाहित हो तो मेरे अंदर अकेलापन नहीं होना चाहिए, फिर भी ये है। इसका मतलब कहीं कुछ है जो अधूरा है, कमी है। हाँ, समय जाते पूरी हो जाएगी, पर अभी के जो भाव है वो ये है कि तुम मेरे भीतर हो, तुम मेरे भीतर हो, फिर भी मुझसे दूर कैसे हो। और मैं तुम में समाहित हूँ, फिर भी अकेलापन क्यों है। पंक्तियाँ कैसी लगी मित्रों अवश्य बताइएगा, क्योंकि आपकी राय, आपके मशवरे, आपकी जो बातें होती हैं वो मुझे भी कई बार गाइड करती हैं। तो आशा है आप अपने विचारों को अवश्य रखेंगे, कैसा लगा अवश्य बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के लिंक है, नंबर भी मिल जाएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।